इधर, ये लोग बोल रहे हैं कि इसके कमरे में कोई है। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा लगा। मुझे रीटा का कॉल आया था कि कोई कीथ के कंप्यूटर आईडी से उसके साथ चैट कर रहा है। मैं जब यहाँ देखना आई तो ये कमरा बिल्कुल वैसा था जैसे कीथ रखता था। ये जैकेट तो उस समय नहीं था जब हम पिछली बार आए थे। ये जैकेट कीथ जब भी कंप्यूटर पे काम करता था तो ये जैकेट बिल्कुल ऐसे चेयर पे रखता था। मेरे बेटे का टॉवेल, मेरा बेटा लौट आया है। मिस्टर पाठक, मैं नहीं मानती कि मरने के बाद कोई लौट सकता है। आई मीन, ये कोई जादू है या कुछ और? ये सब हो क्या रहा है? ये जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखा है, इसकी आदत थी। वो हमेशा यही ड्रिंक पीता था जब भी अपने कमरे में होता था। लेकिन ये तो आधी पी हुई है। नहीं मम्मा, कोई नहीं है यहाँ पे। आखिर ये क्या हो रहा है केडी? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इंसानी भूत है जो हमारे आते ही गायब। तू ये क्या कर रहा है? मैं तो बस छुपा था सर। लेकिन तुम हमारे घर में घुसे कैसे? वो कीथ ने मुझे ये डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी कि कभी उसकी चाबी खो जाए तो ये काम है। लेकिन तुम आधी रात गए कीथ के कमरे में आए क्यों? मैं इन्वेस्टिगेट करने आया था सर कि कौन कीथ का कंप्यूटर यूज करके हमें डरा रहा है, हमको मार रहा है। झूठ, इस सबके पीछे तू ही है। तेरे पास इस चाबी का होना साबित करता है कि ये सारा गेम तेरा है। पायल को भी तूने मारा है। नहीं सर, वो मैं नहीं हूँ सर। आई स्वेयर सर, सर वो कोई और है सर। मैंने खुद सुना है उसे सर। मैं जब इस घर में दाखिल हुआ और मैं कीथ का कंप्यूटर चेक कर रहा था तब मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी सर। मैं घबरा गया और मुझे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली सर, तो मैं अलमारी में छुप गया सर। मैं अंदर छुपा सब सुनता रहा, उसकी आवाज, वो आहट, उसने कंप्यूटर कैसे ऑन किया। मुझे तो यकीन है कि वो कीथ का भूत ही था सर, और उसके जाते ही मैं निकलने वाला था कि लिसा आ गई और फिर आप। कहानी अच्छी थी तेरी पर काम नहीं आएगी, चल। नहीं सर, सर सर प्लीज सर सर, चल। सर प्लीज सर, सर ये लोग कह रहे हैं मैंने पायल और सार्थक की जान ली। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर, वो तो मेरे दोस्त थे। पुलिस के पास तुम्हारे विरुद्ध जो सबूत हैं कबीर, वो मैं देख चुका हूँ। हर सबूत ये कह रहा है कि इस अपराध के पीछे तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कोई कारण है ही नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज एक केस ले लीजिए और मुझे बचा लीजिए सर, जैसे अपने पायल को बचाया था। हाँ वो ठीक है कबीर, लेकिन पायल के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था। यहाँ हर साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध है। सर प्लीज सर, अरे ये क्या, प्लीज सर। कबीर उठो, मुझे बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर। ए, मेरा पांव छोड़ो कबीर, उठो। सर ये लो मुझे फांसी दे देंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर प्लीज सर, मेरा केस ले लो सर, प्लीज सर चांस दे दो सर। सर आप कबीर का केस वापस क्यों ले रहे? वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, वो भी आप ही के द्वारा। हाँ वो तो है वरुण, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट में बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, मैं कबीर को एक मौका देना चाहता हूँ, एक अवसर देना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है, कबीर जानता था कि
अगर उसने मुझे चैट रूम में आने का निमंत्रण दिया तो मैं उस पर भी नजर रखूंगा, दृष्टि रखूंगा। तो फिर वो इतनी बड़ी चाल या उसकी मूर्खता क्या है, क्यों करेगा? सर मुझे नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन इस बात से सहमत हो। प्रोसिक्यूशन अगर मेरी बात से सहमत होता तो वो डिफेंस होता, प्रोसिक्यूशन नहीं। देखते हैं ना अदालत में। Your Honor, I'm rather surprised कि मिस्टर पाठक ने सब कुछ जानते हुए भी इस लड़के का केस लिया, जबकि इन्होंने खुद इसका पर्दाफाश किया था। इनकी वजह से ये हिरासत में है और अब यही इनकी रिहाई की दुहाई दे रहे। Your Honor, मैं मानता हूँ कि कबीर को वहां नहीं होना चाहिए, वो केवल गलत समय पर गलत स्थान पर था। तो ये जो आरोप कबीर के सर पर मंड दिए गए हैं, सार्थक की मृत्यु, पायल की हत्या, ये उचित नहीं है यार, क्योंकि कबीर के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मेरे दोस्त थे वो, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? क्यों मारोगे ये तो पता नहीं, लेकिन कैसे मारा ये मैं आज अदालत को बताऊंगी। कबीर के पकड़े जाने के बाद योर ऑनर, पुलिस ने उसके घर की छानबीन की, जहां पे उन्हें नेट जंपर 9 सॉफ्टवेयर मिला उसके कंप्यूटर से। नेट जंपर 9, ये क्या है? सर ये कबीर जैसे कंप्यूटर हैकर्स एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर को हैक कर सके, अपने ही घर से कंट्रोल कर सके, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह। इस तरह की कभी अगर ट्रैकिंग हो तो इसका कंप्यूटर नहीं बल्कि दूसरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैक होगा। यानी कि अब तक जो हमें लग रहा था कि कीत के घर का कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो काम कीत नहीं कबीर कर रहा था अपने कंप्यूटर से। और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए कबीर ने पायल बन के सार्थक को उकसाया सुसाइड करने के लिए। Your Honor, ये केवल अभियोग पक्ष का अनुमान है, प्रमाण नहीं। मिस्टर पाठक, अगर किसी का कत्ल हो और मेरे घर से वो गन मिले जिससे कत्ल हुआ हो, तो दुनिया तो मुझे ही दोषी समझेगी। ये तो आरोपित भी किया जा सकता है, अगर मैंने वो गन आपके घर में रखी हो तो। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ तो कहाँ थी मैं? नेट जंपर 9 सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा कबीर ने कीत के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चुराया और पुलिस को गुमराह किया, जबकि सच तो ये है कि कीत बनकर कबीर ही ये सब कुछ कर रहा था और अपने दोस्तों को डराया। नहीं, अगर कबीर ये सब कर रहा था प्रोसिक्यूटर साहिबा, तो अपने घर में बैठकर सुरक्षित रूप से कीट के कंप्यूटर का उपयोग करके करता, क्योंकि ये कर सकता था। तो फिर इन्हें कीट के घर जाकर अपने आप को जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता थी? सिंपल, क्योंकि इसके घर से कीट का कंप्यूटर कंट्रोल हो सकता था, कीट का कमरा नहीं। कबीर वहां गया था कीट के कमरे का होलिया बदलने, उसके वस्तुएं बिखेरने के लिए, उसके कपड़े बिखेरने के लिए, ताकि हम सबको लगे कि कीत वहां था। कीत वहां था यार। कीत वहां वहां से पाई गई आधी खाई हुई चॉकलेट, आधा पिया हुआ कोल्ड ड्रिंक, ये संकेत देता है कि वो वहां था। उस पर जो डीएनए मिला है वो भी कीत का है यार, और कबीर का नहीं। हो सकता है कि उन्हें बहुत पहले से कीत ने आधा खा पी कर कबीर के घर में छोड़ा था और कबीर ने तब से बचाए रखा था। अच्छा, इतनी गहराई से सोचा हुआ षड्यंत्र, क्या बात है। अब भी मेरा प्रश्न वही अटल है योर ऑनर, कि अंततः क्यों कबीर ऐसा करेगा? केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, कीत के कंप्यूटर का कोई उपयोग कर रहा था। प्रथम बार जब छानबीन करने हम सब वहां पहुंचे थे तो उसका कंप्यूटर गर्म था, जिसका ये अर्थ है कि कोई उसका उपयोग कर रहा था। सर मैंने जानती कैसे, पर ये सब कबीर ही कर रहा था। वायर रिमोट कंट्रोल शायद उसने कीत का कंप्यूटर ऑन किया होगा। यू नो दीज कंप्यूटर हैकर्स काफी एडवांस्ड होते हैं। हाँ माना कि मैं हैकिंग करता हूँ, पर ये तो मेरे सारे दोस्त भी करते हैं, रीटा, अमन, मेखला, और उनके पास भी नेट जंपर 9 है। कोई इनसे क्यों कुछ नहीं पूछता? क्योंकि कीत के कमरे से वो नहीं तुम पकड़े गए थे। तुमने तो कहा था कि कीत ने तुम्हें चाबी दी थी। जी। अच्छा, जिस दिन पायल की मौत हुई थी तुम कीत के घर गए थे ना कुछ कोई किताब लेने? हाँ, वो कंप्यूटर बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक कीत ने मुझसे बोरो की थी। यही बुक थी वो? जी। लीसा? लेकिन ये किताब तुम्हारी नहीं है, कीत की है। वो
क्यों गए थे तुम वहाँ? ताकि तुम ये जूते रख सको जिसे पहनकर तुमने पायल को मारा? नहीं, वो मैंने अदालत को सच बताओ कबीर। सर, सर एक्चुअली कीथ ने मुझे चाबी नहीं दी थी। मैं उस दिन उसके घर गया था उसके घर की चाबी का इम्प्रेशन एक सोप पर लेने, ताकि मैं उसके डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसके घर पे एंटर करूं और अपनी छानबीन। ये देखिए मिस्टर पाठक, आपका क्लाइंट न सिर्फ अदालत से बल्कि आपसे भी झूठ बोल रहा है। कबीर, तुम ना ही सिर्फ एक हैकर हो बल्कि एक कातिल भी हो और एक चोर भी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। Let me tell you what happened, Your Honor. कबीर ने कीथ के कंप्यूटर को हैक किया और कीथ बनकर अपने दोस्तों को डराया और धमकाया। फिर उसने पायल के कंप्यूटर को हैक करके सार्थक को मरवाया। लेकिन इसके दौरान जब पायल को उस पर शक हुआ तो उसने पायल को किडनैप करके उसे बेहोश किया। कीथ के जूते पहनकर उसने पायल को उस फैक्ट्री में मौत के मुंह में छोड़ा और इस नकली चाबी से कीथ के कमरे में जाकर उसे ऐसे सेट किया कि वहां कीथ लौट आया और इससे पहले कि वो वहां से भागता आपने उसे पकड़ लिया। साइलेंस इन द कोर्ट। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, आपने ये चित्र बनाया और चित्रकार बेचारे कबीर को ठहरा दिया, लेकिन ये तो बताइए कि इसने ये चित्र बनाया क्यों? अपराध छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्या कारण था कबीर के पास ऐसा करने का? और हाँ, वो कीथ की आवाज, वो कैसे निकाली कबीर ने? मैं बताती हूँ। कबीर एक बहुत अच्छा मिमिक है और अक्सर कीथ का मजाक उड़ाया करता था। इसने कई बार मुझे फोन करके कीथ की आवाज निकाल के चिढ़ाया भी है। हेलो। हेलो रीटा। हाय। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन डेट बनोगी प्लीज? कीथ, कितने बार कहूँ तुम्हें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फूल्ड यू, फूल्ड यू। कबीर, तुम तो बिल्कुल कीथ की तरह साउंड करते हो। कबीर, क्या तुम कीथ की नकल कर सकते हो? हाँ, पर सो दैट्स इट। अब समझे आवाज कैसे मैच हुई? और आप वजह जानना चाहते हैं तो सुनिए। कबीर हमेशा से पायल के लिए क्रेजी था, लेकिन पायल कबीर के बदले सार्थक को पसंद करती थी और कबीर से कभी भी सार्थक और पायल की जोड़ी देखी नहीं गई, इसलिए इसने कीथ की मौत का फायदा उठाया और सार्थक और पायल से अपने ठुकराए जाने का बदला लिया है। हो गई तसल्ली, मिल गया कारण? नहीं, एक मिनट प्रोसिक्यूटर साहब, ये जो आरोप तुम कबीर पर लगा रही हो रीटा, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हाँ, इसका सबूत मेरे फोन पे है और ये है पायल का फॉरवर्डेड मैसेज जो कबीर ने उसे 2 महीने पहले भेजा था गुस्से में सार्थक और पायल के खिलाफ। वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में लिखा था, मैं कभी पायल के लिए सीरियस नहीं था और अगर होता तो भी मैं इतना थोड़ी पागल हूँ कि इतनी छोटी सी वजह के लिए अपने 2 दोस्तों की जान ले लूं। योर ऑनर, इस नए साक्ष्य की जांच करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय और कोई समय नहीं मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का अपना अपराध माने। तो योर ऑनर, इतनी शीघ्रता, इतनी जल्दबाजी तो कोई जल्दबाजी नहीं है। केडी, प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ काफी ठोस सबूत और गवाह पेश किए हैं। ये लड़का जितना भोला बन रहा है उतना है नहीं, आप इसकी बातों में आ सकते हैं, ये अदालत नहीं। किंतु योर ऑनर, कीथ की चाबी चुराई थी कबीर ने उसी दिन जब पायल की हत्या हुई थी, उसके पहले तो योर ऑनर कोई उस कंप्यूटर को। इस कमजोर केस में और भी दलीलें देकर आप इसे और ज्यादा कमजोर मत बनाइए। कोर्ट इज डिसाइडेड, ये अदालत कबीर स्वरूप को इस पूरे षड्यंत्र का दोषी मानती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इनके खिलाफ और भी अगर कोई सबूत हो तो उन्हें फौरन इकट्ठा किया जाए ताकि ये अदालत अपना फैसला सुना सके। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रीटा, आई मीन हाउ कुड यू? कबीर के साथ तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी थी, इसके लिए तुमने उसे केस में और फंसा दिया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, पायल ने खुद मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया था। हाँ, पर तुम्हें भी पता था कि उसने वो मैसेज पायल को मजाक में फॉरवर्ड किया था। पर अदालत तो नहीं जानती ना, सर्व्स हिम राइट, हमेशा मुझे कीथ की मौत के लिए ब्लेम करता था। अब पता चलेगा कि ब्लेम होना कैसा लगता है। रीटा, वो जेल में है,
अगर उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया तो उसे उम्र कैद या फांसी हो सकती है। तो तुम लोगों को लगता है वो इनोसेंट है? मुझे तो 100% यकीन है कि इन सब के पीछे वही है। कंप्यूटर जीनियस था ना वो, हम सबसे अच्छा ये यूज किया उसने अपने टैलेंट का। शट अप बेटा, कबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओह, ये राखी ब्रदर है तो वो इनोसेंट हो गया। मुझसे ज्यादा तक तू मतलब ये मेखला जिसने कीट के साथ, बता दू वो वीडियो जिसकी वजह से कीट ने अपनी जान ली है, किसने शूट करके अपलोड किया? तूने। हाँ अमन, यही थी वो मिस इनोसेंट। खैर छोड़, अब मेरा मुंह मत खुलवा, तू कर जो तुझे करना है। I'm out of here. Hell with yours and your loser group. Chill, Mekla. इतना कुछ क्या कर रही हो? और तुम बस सुनते रहे। मैं क्या करता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेकला, क्या तुमने ही कीट का वीडियो अपलोड किया था? तुम्हें इसे क्या? फट्टू कहीं का? फादर, प्लीज इस कमरे को ब्लेस करो। अगर मेरे बेटे की आत्मा इधर है तो उसे शांति मिल जाए। यस फादर, प्लीज ब्लेस दिस रूम। मुझे तो शुरू से ही कबीर का केस लूजिंग केस लग रहा था। क्यों? इसको तो और उन केस के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों करेगा वो ऐसा? कोई कारण? सर, आपको अभी वो इनोसेंट लग रहा है? हाँ, मुझे पता नहीं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये केस अभी तक समाप्त नहीं। सर, जज ने तो ऑलमोस्ट समाप्त कर ही दिया और अगले कोर्ट में वो अपना जजमेंट भी दे देंगे। जो होगा अदालत में वो होगा। तू जा, सवेरे से शेफाली कैसे महसूस आ रहे हैं तुझे, है ना? 3-4 दिन हो गए तो मिला नहीं उससे। जा जा, चेक आउट कर लेने को। और सर आप? मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हेलो केडी सर। हेलो कीट। ये जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है सर, आई मीन इट्स ऑल माय फॉल्ट। हाँ, पर तुम्हारी वजह से कबीर जेल में। कबीर इनोसेंट है सर, आई मीन जो किया है मैंने अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि मुझे लगा कि रीटा को मुझसे दूर करने के लिए वही जिम्मेदार है। इस समय तुम कहाँ हो कीट? साइबर स्पेस में। मतलब तुम्हारी आत्मा? जी सर, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसे भी छोड़ रहा हूँ। बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है, आई मीन गुनहगार मैं हूँ। गुनहगार को दंड मिलता है कि? मुझे आप लोग क्या सजा दोगे सर, आई मीन मुझे तो सजा मिल चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। केडी, अरे कीट फिर आया था मुझसे बात करने। पर यार कबीर तो जेल में। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जैसा मुझे संदेह था वैसा ही ये कोई और ही। हमारा मतलब अमान, रीटा या फिर मेखला? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड है। Ah!
ज्यादा तक तू मतलब ये मेखला, वो वीडियो जिसकी वजह से कीत ने अपनी जान ली है, किसने शूट करके अपलोड किया? तूने। तू कर जो तुझे करना है। I'm out of here. You help with yours and your loser group. बेटा, मैं तेरी बुआ के नए बुटीक की ओपनिंग में जा रही हूँ। मॉम, एक्चुअली I'm feeling very low today. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे थोड़ी देर। बेटा, मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, रात को आऊंगी फिर तुमसे बात करूंगी। अभी तुम अपने लैपटॉप पे बैठो ना, रात को बात करते हैं, ठीक है? बाय। हेलो एवरीवन, हाउ वाज योर डे? हाय मेघना। डोंट एट ऑल टॉक टू मी, फट्टू कहेगा। मैं फट्टू नहीं हूँ, फाइनली मैंने कुछ किया है। क्या? तेरा और रीटा का पैक। कब? हाय अमन, हाय मेघना, हाय। आई एम सॉरी गाइज, मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा रूड थी, फिर भी तुमने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा। थैंक यू सो मच। मैंने? हाँ, अमन ने भेजा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट के थ्रू, फ्रॉम मेघना विथ अपॉलॉजीज। वाओ, इसकी स्मेल तो। रीटा यू ओके? रीटा, रीटा, पॉइजन परफ्यूम मैंने भेजा था उसे, कैसी रही? अमन, आर यू मैड? ये क्या कर दिया तुमने? मैड क्यों, तुम ही चाहती थी कि मैं उसे चुप कराऊं। मैं? तो मैंने उसे मार डाला, अब तो मैं फट्टू नहीं हूं ना। सर, आई स्वेयर सर, वो मैं नहीं था, किसी ने मेरा आईडी हैक किया और उसी ने मेरी जगह चैटिंग की। और वो जहरीला परफ्यूम? केडी, अमान के शॉपिंग आईडी और एड्रेस से बुक किया गया था और रीटा को डिलीवर किया गया, शायद रास्ते में उसमें किसी ने जहर मिला दिया होगा। तो संक्षेप में हुआ वही जो पहले भी हुआ था, किसी ने अमन के कंप्यूटर को हैक किया, रीटा को फंसाया और फिर उसकी जान ली। सर, आखिर ये सब कर कौन रहा है? कीत। सर, कीत अभी भी जिंदा है, वही कर रहा है ये सब। हाँ केडी, जिस कीत ने तुमसे चैट की थी वो फिर से उसी घर से ट्रेस हुआ है। अच्छा, उसी के कमरे से? हाँ, इस बात का तो मुझे अंदेशा था दवे, कि उस कमरे में कोई है दवे। और जब तक ये गुत्थी सुलझती नहीं, अमान तुम्हें पुलिस की हिरासत में रहना होगा, क्योंकि रीटा के खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर। योर ऑनर, जिस समय रीटा की हत्या हुई उस समय कबीर कारागार में था, कीत का उस चैट रूम में लौट कर आना, योर ऑनर, ये सारी बातें ये प्रमाणित करती हैं कि हत्यारा कोई और है। मुझे तो लगता है कि इस कबीर की सेल में एक और सेल है, यानी सेलफोन है, जिसके जरिए ये सब। आप सीरियसली ये मानती हैं कि कबीर जेल में बैठे बैठे ये सब कर रहा था? मुझे भी लग रहा है मिस प्रोसिक्यूटर कि कबीर का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पिछली अदालत में इस पर जो इल्जाम लगाए गए वो अब भी। योर ऑनर, अब तक पाठक, पायल और रीटा तीन मौतें हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि इन तीनों मौतों को जोड़ने वाली एक घड़ी है। इसी कारण योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि जब तक रीटा का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, कबीर पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? जाने वाली थी? नहीं आंटी, वो हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, और वैसे भी आंटी मुझे आपसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। बहुत बड़ी मिस्ट्री है केडी, कौन हो सकता है इन सीरियल किलिंग्स के पीछे?
सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ. आई मीन मुझे पता है आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए. सर पहले मुझे भी लगा था ये सब किसी की चाल है, कबीर की या किसी और दोस्त की, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब कीत की आत्मा ने किया है. आई मीन उसकी स्पिरिट. साइलेंस इन द कोर्ट. सर वो कैसे? सर मैं कल कीत के कमरे में गई थी. आई मीन मुझे वहां से कुछ आवाजें सुनाई थी. स्पिरिट जिसने अपना बदला अपने दोस्तों से लिया. आई मीन कोशिश अच्छी की तुमने भी सा, दुर्भाग्यवश ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मैं जान गया हूं कि हत्यारिन कीत नहीं तुम. एक्चुअली आंटी वो जो वीडियो था ना कीत और रीटा का, जिसकी वजह से कीत ने अपनी जान ली, वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाला था. तुमने? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. आंटी मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो कीत को इतना अफेक्ट करेगा कि वो अपनी जान ले लेगा. आंटी आई एम सो सॉरी. आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सबकी जान सिर्फ से मेरी वजह से गई. सार्थक रीटा कीत सब मेरी वजह से मर गए. आंटी आई एम सो सॉरी. आंटी प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए. आंटी प्लीज. उठो बेटा, रो मत. तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, वो ही काफी है. रो मत. तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ. और ये आपने कैसे जाना मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल रात को मेरी कीत के साथ इंटरनेट पर बात हुई, वो भी इसी प्रकार से आई मीन कहकर बात कर रहा था. बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है. आई मीन गुनहगार मैं हूँ. जैसे कि अभी पिज़्ज़ा कर रही है. सर वो कौन हो सकता है? आई मीन वो कीत ही था, उसकी स्पिरिट. संभवतः दोनों का तकिया कलाम है. पर ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है. इत्तेफाक होता अवश्य यदि पिज़्ज़ा जी को जुकाम न होता जिस तरह कीत को था. बस ये कहने लौटा था कि प्लीज ये केस मत छोड़िए, कबीर बेकसूर है. आई मीन गुनहगार मैं हूं. ईद का मैसेज मेरे कमरे में. कमरा? इज इट पॉसिबल? उसकी आत्मा. मैं तो आधे से ज्यादा टाइम फ्लाइट्स पे होती हूँ. हाँ, फ्लाइट्स पर ही रहोगी तुम, व्यवसाय है तुम्हारा. वैसे
सार्थक की मृत्यु हुई तब भी फ्लाइट पे थी। मैंने दिशा ईद की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है, उसके चैट्स में कई ऐसे चैट्स है जिसमें वो आई मीन कहकर नहीं बात कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जो कीथ बनकर बात कर रहे थे? एक तुम, एक तुम्हारा भागीदार, कोई पार्टनर? कोई नहीं है सर, और जहां तक मेरी बात है मैं तो इतना कंप्यूटर्स भी नहीं जानती हूँ। लेकिन सीखा है तुमने? सर अभी याद आया, जब मैंने लिसा से कंप्यूटर बुक बोरो की थी तब उसमें कई जगह पर नोट्स, अंडरलाइंस और कमेंट्स भी थे, और वो राइटिंग कीथ की नहीं थी क्योंकि मैं उसकी हैंडराइटिंग जानता हूँ, वो किसी और की है। मैं किताब लिसा सच कह रहा है ना, किताब को पढ़कर किसी ने कंप्यूटर का उपयोग करना सीखा है ना? तुम जानती हो कि वो व्यक्ति कौन है? जानती हो ना? कौन हो सकता है? तो सारे सीक्रेट्स और हमारे बारे में लिखा हुआ है, ये यहाँ कैसे? भाई और ऑनर जो प्रारंभ से लेकर अंत तक कीत के साथ कीत के घर में, जिसे पता था कि कीत की कौन सी वस्तु कहाँ होती है, उसके कपड़े, उसके जूते, आधी पी हुई ड्रिंक जो फ्रिज में रखी हुई थी, आधा खाया हुआ चॉकलेट, सब कुछ पता था, और सही समय आने पर हर वस्तु को अपने उचित स्थान पर रखा। कीत की मृत्यु के बाद 10 दिन बाद। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोसिक्यूटर साहिबा, जिसे बचाने के लिए लिसा कीत बनकर ये खेल खेल रही है, जिसने कीत की मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर ही कंप्यूटर इतनी शिद्दत से पड़ी, इंटरनेट में इन बच्चों से आगे निकल गई। लिसा समझ गई मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी माता जी am I right? आंटी आप, आंटी नहीं हो, कीट हो। यस सर, ये तो मेरे मॉम ने किया है। कीत की मौत ने उनका दिमाग हिला दिया है, हमें ये सब उन्हीं का किया है। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका बदला लूंगी। सर, मेखला कीत की मदर से मिलने गई है। योर ऑनर, हो सकता है मेखला की जान खतरे में, आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण से कहूँ फोन लगा। इजाजत। फोन लगा वरुण।
उसका फोन बज रहा है, वो उठा नहीं रही। दवे फौरन जल्दी कीट के घर जाओ। कीट की डेट के बाद मुझे उसकी डायरी मिली जिसमें उसका हर सीक्रेट, उसके दिल का हर दर्द लिखा था। तब मुझे पता चला उसकी डेट के जिम्मेदार तुम सब हो। तब मैंने कसम खाई कि जिस इंटरनेट की वजह से उसकी मौत हुई है उसी इंटरनेट को मैं अपनी ताकत बनाऊंगी और तुम सबसे रिवेंज लूंगी। आंटी, एक महीना, आंटी प्लीज, एक महीना दिन रात में कंप्यूटर का हर पैटरा सीख रही थी। आईपी एड्रेस, वीडियो चैट, हैकिंग। मेरे बेटे ने उस डायरी में हर चीज लिखी थी, हर चीज, हर पासवर्ड, कंप्यूटर का हर एक डिटेल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ लीसा जी, जब तक दवे साहब वहाँ जा कर के मेखला को बचा कर आपकी माता जी को ले नहीं आते, अदालत उत्सुक है जानने के लिए कि आपने एक मर्दानी आवाज, कीत की आवाज निकाली कैसे। कीत ने अपने कंप्यूटर में अपनी वॉइस सैंपल सेव करके एक सॉफ्टवेयर फीड किया था जहाँ माइक में बोलकर कोई भी कीत की आवाज में बात कर सकता है। और मामा को ये फाइल मिला, उन्होंने उसे कंप्यूटर से डिलीट कर हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया। जब भी उन्हें कीत बनना होता था वो उस सॉफ्टवेयर को फीड कर उसकी तरह बातें करती थी। और सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे भी तब पता लगा जब कबीर अरेस्ट हुआ और मैंने कबीर और मम्मा को बचाने के लिए उसी सॉफ्टवेयर से आपसे चैट की। मम्मा ने ही पायल बनकर सार्थक को मरने के लिए उकसाया, फिर पायल को किडनैप करके मारा, फिर रीटा को वो जहर वाला परफ्यूम भिजवा कर मरवाया। सर, वो पागल हो चुकी है, प्लीज उन्हें रोकिए सर, प्लीज। मुझे क्या लगा तुम बच जाओगे? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आंटी आई एम सो सॉरी, आंटी प्लीज प्लीज आंटी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे को मारा है तुमने, प्लीज हेल्प, तुम नहीं बच पाओगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। आंटी प्लीज माफ कर दीजिए, आंटी आई एम सो सॉरी, आंटी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ो, 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 पकड़ो, लेके जाओ इसको, मार के रखूंगी, चल मार के रखूंगी, नहीं नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे, उठिए, उठिए, ठीक हो तुम? यस सर। हेलो केडी। योर ऑनर, सूचना मिली है कि इंस्पेक्टर दवे ने मेखला को बचाकर मिसेस गोम्स को हिरासत में ले ली। लेकिन अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि उनकी अरेस्ट के पहले चार लोगों की मौत हुई है। चार लोग नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, चार युवा, चार नौजवान। मुझे लगता है योर ऑनर कि उनकी मृत्यु में कहीं ना कहीं हम और समाज, हम सब दोषी हैं। योर ऑनर, इस युवा पीढ़ी की पहचान, इसकी तीव्र गति है, जिसे नियंत्रण में न रखा जाए तो उसका अंत अपघात ही होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। इन लोगों ने यह चैटरूम बनाया था एक दूसरे की समस्या को सुलझाने के लिए। ये चैटरूम बना जिसके कारण ये सारी दुर्घटनाएं घटी। बस यही आशा करता हूं लीसा, इस केस के बारे में सुनने के बाद हर माता पिता अपनी संतान को समय देगा, उन्हें समझ देगा, ताकि फिर आगे जाकर कोई नौजवान ये कदम ना उठाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.